झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। 21 मार्च को दो सीटों के लिए चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जीए मीर ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि एक ही सीट पर गठबंधन चुनाव लड़ेगी। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस और जेएमएम के पास उम्मीदवार है, यानी कि उनका कहना है कि अभी भी इसको लेकर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उम्मीदवार किसका होने वाला है, लेकिन उनका यही कहना है कि गठबंधन से एक ही उम्मीदवार सामने आएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आज जीए मीर ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि गठबंधन से एक ही उम्मीदवार होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार है और जेएमएम के पास भी उम्मीदवार है, तो क्या संकेत वो दे रहे हैं? क्या वो ये चाह रहे कि कांग्रेस का भी उम्मीदवार आगे जा सकता है? देखिए, अगर जो उन्होंने वक्तव्य दिया है अगर उसे आप देखें तो कुछ चीज़ें जो साफ हो रही हैं, जब वो कहते हैं कि एक ही उम्मीदवार दे रहे हैं तो देखिए दो सीट के लिए ही चुनाव होना है, तो अगर एक ही कैंडिडेट गठबंधन की तरफ से आता है तो नेचुरली जो बीजेपी एनडीए गठबंधन है उधर से भी एक ही आता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है चुनाव नहीं होगा। ये दोनों कैंडिडेट सीधे राज्यसभा के लिए चुन लिए जाएंगे क्योंकि दोनों के पास बहुमत है। चुनाव होने की स्थिति तब आती जबकि तीसरा कैंडिडेट जो है वो होता, तो वैसी परिस्थिति में फिर जो है वोटिंग का सहारा लेना पड़ता विधायकों का। तो अब ये बात ऑलमोस्ट क्लियर मानकर चलिए कि अब जो है इस बार कोई चुनाव नहीं होगा और सीधे ही जो है दोनों, अगर दो ही दोनों तरफ से एक एक कैंडिडेट पर्चा भरते हैं तो दोनों जो है वो राज्यसभा के लिए चुन लिए जाएंगे। तो एक बात तो ये हो गया, निर्विरोध वो दोनों निर्वाचित होते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम देखें कि इनका जो दूसरा पार्ट, अगर हम इसे देखें, जब वो जीएमईर ये कहते हैं कि दोनों के पास गठबंधन है, तो इससे एक बात और साफ होती है कि अभी तक प्रत्याशी को लेकर गठबंधन में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, या ये कह लीजिए कि ये तय नहीं हुआ है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ेगा, वो कांग्रेस का होगा या जेएमएम का, ये साफ नहीं हुआ। तो वो सीटिंग सीट हुआ क्योंकि वहां से धीरज प्रसाद साहू अटेंगे और बीजेपी से समीर उरा, तो क्या कांग्रेस इसमें तो बोल सकती ना वो हमारी सीटिंग सीट है, क्योंकि हमेशा से ही कांग्रेस के जितने भी नेता वो यही बोलते हैं कि हम लोग सीटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन देखिए जेएमएम का भी अपना दावा है, उनके पास अकेले अपने प्रत्याशी को जिता लाने लायक वोट है, तो फिर वो ये भी कहेंगे कि अगर मेरे पास अपने ही इतने विधायक हैं जो मेरे कैंडिडेट को राज्यसभा भेज सकते हैं तो फिर हम आपके कैंडिडेट को सपोर्ट क्यों करें। तो देखिए धीरज प्रसाद साहू ज़रूर सीटिंग सीट है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि गांडे सीट से सरफराज अहमद ने जब इस्तीफा दिया है तो उनके साथ भी तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, तो उस बात को भी देखना होगा। और मुझे लगता है कि ये वजह है कि जेएमएम जो है वो भी दावा ठोक रही है, और नहीं तो आज जेएमएम साफ साफ कह सकते थे कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट देगी और ये उम्मीदवार होगा, लेकिन उम्मीदवार की बात छोड़िए वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा, वो ये कह रहे हैं कि दोनों के पास उम्मीदवार है। इसका मतलब कि अभी भी बातचीत का दौर जारी है, और अगर बातचीत का दौर जारी है तो ये भी तय है कि जो दावा है वो जेएमएम की तरफ से भी किया जा रहा है। आपने गांडे विधानसभा सीट का नाम लिया, सरफराज अहमद ने जब इस्तीफा दिया तो यही खबरें सामने आई कि डील हो गया है, शायद राज्यसभा सरफराज अहमद को भेजा जाएगा। अब उन्हीं का नाम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि सरफराज अहमद ही रहेंगे शायद उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को लेकर भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि हमारे पास भी भाई कैंडिडेट है, हम लोग भी आगे रख सकते हैं, तो कह सकते हैं अभी भी डिसीजन जो है वो चल रहा है, निर्णय जो है वो लिए जा रहे हैं। देखिए इसमें ये देखना होगा कि जेएमएम इस सीट को लेकर अपना दावा कितनी मजबूती के साथ पेश कर रहा है, क्योंकि देखिए उसके पास उतने विधायक हैं कि वो अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेज सकता है, तो सब कुछ निर्भर जेएमएम के रुख पर ही करेगा, या जेएमएम गठबंधन के नाम पर जो है ये एक कुर्बानी आप कह सकती हैं कि वो त्याग करने के लिए तैयार हो कि ठीक है हम एक सेट आपको दे दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास विधायक है तो नेचुरली संख्या बल जिसके पास होता है लोकतंत्र में, तो फिर उसकी बात जो है वो मानी जाती है। अब अगर जेएमएम अड़ जाता है तो आप मानकर चलिए कि फिर जेएमएम का कैंडिडेट होगा और फिर कांग्रेस को पीछे हटना पड़ेगा। अब अगर कांग्रेस जेएमएम को समझा पाने में सफल होता है तभी जाकर जो है वो कांग्रेस से उम्मीदवार आ सकता है। अगर ये देखा जाए कि अगर कांग्रेस किसी उम्मीदवार को आगे रखता है तो क्या लगता है किसका नाम आगे आ सकता है रंजन जी?
देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उसमें सब कुछ जो तय होता है वो आलाकमान के से ही होता है, तो ये आलाकमान का जो कल्चर है वो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। इसीलिए देखिए कि बीजेपी में भी राज्यसभा के लिए कौन चुना जाएगा या किसे भेजना है वो उम्मीदवार की घोषणा अभी तक बीजेपी ने भी नहीं की है, और कई नाम जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमने पास्ट में भी देखा है कि कई बार दूसरे राज्य से भी जो है वो आते हैं और यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं उन्हें व्यापक पैमाने पर चीज़ों को देखना होता है, और वो राष्ट्रीय फलक पर सोचते हैं क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करनी होती है। तो उस लिहाज से किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचना तो मुश्किल है, लेकिन धीरज प्रसाद साहू का दावा भी कमज़ोर नहीं है। ठीक है कि कुछ परेशानियाँ उनके साथ आई थी, लेकिन उनका दावा भी कमज़ोर नहीं है। कई बार जो है राज्यसभा की सीट जो है लोगों को अबलाइज करने के लिए भी दी जाती हैं, तो ये चीज़ भी चूंकि चुनाव नज़दीक है तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई अप्रत्याशित नाम जो है वो सामने आ जाए, तो बहुत चौंकने की बात नहीं है। चूंकि चुनाव का समय नज़दीक है तो इस तरह के फैसले जो है वो लिए जाते हैं। तो देखिए, दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं, एक और जहां कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू और बीजेपी के समीर उरांव का जो कार्यकाल है वो 2 मई को खत्म होने वाला है। लेकिन आज झारखंड प्रभारी जीए मीर ने जो बयान दिया है उसे ये साबित होता है कि अभी फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार है और उनका ये भी कहना है कि जेएमएम के पास भी उम्मीदवार है, लेकिन स्पष्ट से उनका कहना है कि गठबंधन एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन निर्णय लगातार यहां पर लिए जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत, नमस्कार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर अविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा, बरकंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सरायथेला धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989333। IIT G नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।